सो वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अंशुल धारीवाल आज आपका हमारे चैनल दैजिस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। आज आपको प्रॉपर डिटेल में जानने को मिलेगा कि हम ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करने के लिए दो ही ऑप्शंस होते हैं कि या तो हमें पूरी उसकी एलिमेंट की हमें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए या फिर हमें फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। तो आज आपको इस लेक्चर में सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी कि हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इज ए स्पीसीज। अगर कोई भी एटम पे क्या है फॉर्मल चार्ज है स्पीसीज पे तो उसपे हम क्या फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। सपोज दिस इज HCl, ये क्या है HCl के क्या है ये स्ट्रक्चर है। तो जैसे HCl है तो ये जो H है ये Cl है, आपको पता है Cl पे -1 के आता है नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आता है वो आता है पॉजिटिव। तो उसी के अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन है वो क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन कैसा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो उसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्लोरीन की कितनी हुई -1 और हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई दैट इज +1। तो अभी एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग और बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है किसकी H2O की स्ट्रक्चर है। तो H2O की स्ट्रक्चर कैसे बनती है OHOH यहाँ पे क्या आया सिंगल बॉन्ड आया। तो हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये क्या कर रहा है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या हुआ -1 चार्ज। तो यहाँ पे भी इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्या रहा -1 और इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज रहा -1। तो ऑक्सीजन पे टोटल चार्ज आ गया कितना -2। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है यहाँ पे -2 और एच की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पे +1 और यहाँ पे कितनी है +1। क्यों है क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो उसी के अकॉर्डिंग इन अ कोवेलेंट बॉन्ड असाइन -1 टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड +1 द लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ दैट इज SO2। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ SO2। तो जैसे S है यहाँ पे कितने बॉन्ड आएंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड आएंगे। ये किसकी स्ट्रक्चर है SO2 की स्ट्रक्चर है क्योंकि हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बट किसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो उसी के अकॉर्डिंग SO2 की क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पे जैसे ये डबल बॉन्ड आ गए यहाँ पे तो ये क्या हुआ SO2 हुआ। तो जैसे कि ऑक्सीजन है इस सिंगल बॉन्ड की कितना चार्ज आया इसमें -1 यहाँ पे कितना चार्ज आया +1। तो यहाँ पे फिर एक सिंगल बॉन्ड और है तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज आया -1 यहाँ पे एस पे कितना चार्ज आया +1। तो उसी के अकॉर्डिंग एस यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड है तो एक सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है -1 और एस पे कितना आया +1। तो फिर एक सिंगल बॉन्ड और है तो यहाँ पे एक चार्ज कैसा आया -1 बॉन्ड के अकॉर्डिंग और यहाँ पे कितना आया +1। तो उसी के अकॉर्डिंग जो सल्फर पे हमारे चार्ज हुए वो कितने हुए +4। तो इसकी ऑक्सीडेशन सल्फर की कितनी हुई हमारी +4 और ऑक्सीडेशन का जो चार्ज हुआ यहाँ पे कितना हुआ -2 और यहाँ पे कितना हुआ -2। ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सल्फर क्लोरीन और हाइड्रोजन ये क्या होते हैं ये हमारे जो होती है ये एक सीरीज होती है उसमें क्या होता है ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे कि अब ये तो हमारे चार्जेस की बात हो गई अब ऐसे भी होंगे कि जिन पे जीरो चार्ज आता है वो जीरो चार्ज किस किस पे आते हैं जैसे कि Cl अगर हम देख लें तो Cl इन Cl2 तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे जीरो है। तो ऐसे ही नाइट्रोजन इन N2 तो यहाँ पे क्या हुआ N पे कितना चार्ज आया जीरो चार्ज आया यहाँ पे भी कितना चार्ज आया जीरो चार्ज आया। ऑक्सीजन को देखेंगे अगर वो O2 में तो वहां पे कितना चार्ज आया ऑक्सीजन पे वो आया जीरो चार्ज यहाँ पे भी कितना चार्ज आया जीरो चार्ज आया। तो P4 में कितने P आएंगे तो वो हमारे आएंगे चार यहाँ पे भी जीरो यहाँ पे भी जीरो यहाँ पे भी जीरो यहाँ पे भी जीरो। तो इस स्टेटमेंट का रिजल्ट ये निकला कि मोस्ट ऑर्डिनरी स्टेट एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी जीरो। जो ऑर्डिनरी जो मतलब जो एलिमेंट क्या है पहले से स्टेबल है उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा जीरो होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया।